वीडियो में आप सीखेंगे कि स्ट्रेचर जोड़ का प्रयोग करते हुए आधी ईंट की दीवार कैसे बनाई जाती है। आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वे है कन्नी, मसाले का तसला, जॉइंटर, सूत, स्प्रिट लेवल, सीधी धार और गुनिया। प्रयोग में होने वाली सामग्री है ईंटे और मसाला। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना न भूले, जैसे सुरक्षा दस्ताने, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते एवं धूल से बचने के लिए मास्क। यह सुनिश्चित करें कि आप मिश्रण डिजाइन और पद्धति विवरण में बताए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दीवार बनाने से पहले आप दीवार के दोनों सिरों पर रूपरेखाएं तैयार करें, इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ एक सूत बांधे और बिना मसाले की ईंटें बिछाए। आधी ईंट की मोटाई के स्ट्रेचर जोड़ में ईंटों के व्यवस्था में सीधी ईंटों के केवल एक पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। हर दूसरा रद्दा आधी ईंट से आरंभ होता है और उसी से समाप्त होता है, ताकि लगातार लंबवत जोड़ एक सीध में न हो। जहाँ एक दीवार दूसरी दीवार के साथ जुड़ती है, वहाँ पर कोने वाली ईंट के आधे भाग को जो दूसरी दीवार के साथ जुड़ता है उसे आधी ईंट के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। वह दीवार जिसमें कोने की सीधी ईंट बड़ी हुई होती है, प्रत्येक रद्दे में बारी बारी से होती है। बिना मसाले से बिछाए गए ईंटों को हटाने से पहले ईंटों की व्यवस्था और संख्या को ध्यान में रखें। दोनों दीवारों के पहले रद्दे को निर्देशित करने वाली रूपरेखा को तैयार करें। आधी ईंट की लंबाई के बराबर मसाले की तह बिछाएं। बाहरी कोने की ईंट को रखें। यह कोने की ईंट पहली दीवार के लिए एक पूरी सीधी ईंट का और दूसरी दीवार के लिए आधी ईंट का काम करेगी। रद्दे के पूरा होने तक ईंटों को लंबाई में बिछाते जाएं। कनी का प्रयोग करते हुए रद्दे के ऊपर मसाले को बिछाएं और जोड़ों को भरने के लिए उनके अंदर मसाला भरें। यह सुनिश्चित करें कि लंबवत जोड़ मसाले से समतल किए गए हैं। रद्दे की सीध जांचने के लिए सीधी धार का प्रयोग करें। दूसरी दीवार के पहले रद्दे के लिए मसाले की तह बिछाएं। सीधी ईंट के चौड़ाई वाले भाग को कोने की ईंट के साथ मिलाते हुए रखें। रद्दे को पूरा होने तक ईंटों के एक श्रृंखला को लंबाई में बिछाते जाएं। यह सुनिश्चित करें कि सभी सतहों पर जोड़ों को मसाले से समतल किया गया है। अब आप पहले रद्दे को निर्देशित करने वाली रूपरेखा को हटा सकते हैं। दीवार के बाहरी सिरे पर एक आधी ईंट और सीधी ईंट का प्रयोग करते हुए और सबसे बाहर वाली ईंट को दूसरी दीवार के उस कोने पर रखते हुए जहां दोनों दीवारें मिलती है, पहली दीवार के दूसरे रद्दे के लिए रूपरेखा तैयार करें। सीधी ईंट के चौड़ाई वाले भाग को कोने की ईंट के साथ मिलाते हुए रखें। रद्दे के पूरा होने तक ईंटों की एक श्रृंखला को लंबाई में बिछाते जाएं। जोड़ों के खाली स्थानों को भरने के लिए मसाला भरें और रद्दे के ऊपर भी मसाला लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि जोड़ों को मसाले से समतल किया गया है। अब आप रूपरेखा को दूसरी दीवार के दूसरे रद्दे की ओर ले जा सकते हैं।
अगले रद्दे के लिए मसाले की तह बिछाए। ईंटों की एक श्रृंखला को लंबाई में रखते हुए रूपरेखाओं के बीच की जगह को भरे। कन्नी का प्रयोग करते हुए रद्दे के ऊपर मसाला बिछाए और जोड़ों की खाली जगहों को मसाले से भरे। यह सुनिश्चित करें कि जोड़ों को मसाले से समतल किया गया है। इन चरणों को तब तक दोहराएं जब तक आप इच्छित ऊंचाई तक न पहुंच जाएं। सभी रद्दे बनाने के बाद ब्रिक जॉइंटर का प्रयोग करते हुए किनारों से बाहर निकले हुए अतिरिक्त मसाले को साफ करें ताकि जोड़ों को एक सुनिश्चित आकार मिल सके। अंत में दीवार के चारों ओर की जगह साफ करें। अब आपने स्ट्रेचर जोड़ का प्रयोग करते हुए आधी ईंट की दीवार को बनाना सीख लिया है।